हेलो फ्रेंड्स, मैं उतार के तो स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रेग्नेंट हब। और दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे रहेंगे। या दोस्तों आज का टॉपिक तो आप बोर्ड में भी देख के समझ गए होंगे और जो है ना आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो जी दोस्तों, जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो है ना एक मेथड्स बताया था कि तीन केमिकल्स पहले हम लोग चूज करेंगे, एक एकॉर्ड्स बनाएंगे परफ्यूम का, उसके बाद फिर उसको हम लोग डेकोर करेंगे बाय यूजिंग दी मॉडिफायर्स है, ब्लेंडर्स है, बेस है, ठीक है, दूसरे दूसरे केमिकल्स को यूज करेंगे। तो आज उसी तरीके से जो है ना लास्ट वीडियो मैंने रोज के बारे में बताया था, थोड़ा जस्मिन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम मोगेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोगेट का नाम तो सुनकर आप लोग देख लोगे कि भाई कोई इंग्लिश नेम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ है, क्या हर लोगों को इसके बारे में मालूम है, जिनको मैं भी मालूम तो आज मालूम पड़ जाएगा हमारे वीडियो के थ्रू से। मोगेट का मतलब होता है मोगरा, ठीक है, मोगरा का खुशबू आप जानते हैं, मार्केट में लोग देखते हैं मोगरा अगरबत्ती, मोगरा अगरबत्ती का मोगरा का सेंट चाहिए, ठीक है, मोगरा है, जस्मीन है, क्योड़ा है, ये सब जनरल आइटम है। तो उसमें से मोगरा के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगरबत्ती में जो मोगरा यूज होता है, ठीक है, जो खुशबू यूज होती है वो थोड़ा सा हार्ड होता है नोट्स उसका, ठीक है। बट यहाँ जो हम मोगरेट में एकॉर्ड बनाने में जो हम जो केमिकल्स यूज करेंगे और मोगरेट के एकॉर्ड बनाएंगे, ये थोड़ा सा नोट्स इसका सॉफ्ट रहेगा, इसको हार्ड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मोगरा के एकॉर्ड बनाने के लिए पहले हम बेसिकली तीन से चार केमिकल्स चूज करेंगे, वही मेथड को रिपीट करेंगे जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद फिर उसको हम लोग डेकोर करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल्स यूज होगा। सबसे पहले जो है ना हाइड्रोक्सी सिट्रोनेन, ठीक है, नेनल है, एएल है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप्स है, केमिस्ट्री में जाएंगे तो ये एएल जो एल्डिहाइड ग्रुप्स है ना, और एक होता है ओएल से हाइड्रोक्सी सिट्रोनेनॉल एक होता है जो कि अल्कोहल ग्रुप ही हो गया। तो यहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे। ये जो केमिकल्स है, बातों बातों बता दे रहा हूं आपको, ये जो केमिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, परफ्यूमरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीफ बेस बोलते हैं, ठीक है, स्कीफ बेस, ठीक है। ये स्कीफ बेस बनाने में इस केमिकल्स का बहुत जो है ना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी कोई बड़ी चीज नहीं, अगर आपको उस केमिकल्स का नाम बताओ तो आप बोलेंगे हाँ अच्छा ये चीज है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे में देखेंगे। तो सबसे पहला केमिकल हम लेंगे इसमें हाइड्रोक्सी सिट्रोनॉल, उसके बाद जो ना सेकंड लेंगे इसमें हम लोग दैट इज द फिनाइल इथाइल अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद तीसरे में हम इसमें लेंगे आपका जो ना सिट्रोनेनॉल, सिट्रोनेनॉल, चौथे नंबर में इसमें लेंगे हम लोग रोडिनॉल, ठीक है, ठीक है दोस्तों, है ना। इन चार केमिकल्स को यूज करके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मुगेट का जो ना एकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मेथड्स वही है, सेम मेथड्स है कि मैंने बताया था कि चार केमिकल के अंदर में सबसे सस्ता जो केमिकल्स रहेगा तो उसका जो ना पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा उसको लेंगे। कॉमेंट्स में बताइए कि इसमें सस्ता केमिकल्स कौन सा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑलरेडी, है ना, जो भी हमारे जो है ना व्यूवर्स हैं, है ना, कंटिन्यू देखते हैं, तो वो बताएं थोड़ा सा कमेंट्स में मुझे, पिंच करें कि जो ना सस्ता केमिकल कौन सा है, ठीक है। तो सबसे इसमें सस्ता केमिकल सबसे पहले जो ना फिनाइल इथाइल अल्कोहल है, इसको हमको लेना है आपका 34 ग्राम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है सिट्रोनेनॉल रोडिनॉल, ठीक है, ये भी सस्ते हैं, दोनों का प्राइस जो ना लगभग सेम है, थोड़ा सा ऊंच नीच होगा, ठीक है। तो इसमें जो ना हम लोग लेंगे ना फिनाइल इथाइल अल्कोहल के बाद सिट्रोनेनॉल लेंगे, सिट्रोनेनॉल लगभग लेंगे हम लोग 24 ग्राम, ठीक है, ये 34 ग्राम लेंगे, ये हम 24 ग्राम लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम लोग रोडिनॉल, रोडिनॉल लेंगे हम लोग इसमें 16 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो ना इन सबसे महंगा आइटम होता है ये हाइड्रोक्सी सिट्रोनेनॉल, ठीक है, इसको हमको लेना है 11 ग्राम। तो इन चारों को मिलाकर तो हम आप क्या करेंगे, पहले एक मोगेट का एकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्सी सिट्रोनेनॉल एक कॉमन आइटम है जो कि जनरल मिलता है, अलग अलग कंपनी का आता है, बट इसका एक स्पेशल आइटम है हाइड्रोक्सी सिट्रोनेनॉल जो है ना, एक स्पेशल ना कंपनी का आता है जो कि गिवॉर्डन बोलते हैं उसको हम लोग, उनका भी जो है ना एक हाइड्रोक्सी सिट्रोनेनॉल आता है, इस नाम से आता है, बताता हूं आपको, लोराइन के नाम से आता है, ठीक है, लोराइन के नाम से जो हाइड्रोक्सी सिट्रोनेनॉल गिवॉर्डन कंपनी का आता है, अगर उसको आप यूज करेंगे तो आपका जो मुगेट है ना, जो मुगेट का जो खुशबू है एकदम लाजवाब, झकास जिसको बोलते हैं ना, झकास हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो यूज करें, वरना जनरली हाइड्रोक्सी सिट्रोनेनॉल मार्केट में जो मिलता है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चार केमिकल्स को आपने लिया, लेने के बाद जो ना आपने इसका एकॉर्ड बनाया, ठीक है। अब चलते हैं कि अब जो मॉडिफायर्स और ब्लेंडर्स यूज करेंगे, ठीक है।
दूसरे केमिकल्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताता हूं क्या क्या इसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर इसमें आप चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं लिनालूल भी यूज कर सकते हैं आप, लिनालूल, ठीक है, लिनालूल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो ना लिलियल भी आप यूज कर सकते हैं, लिलियल, ठीक है, लिलियल भी आप चाहेंगे इसमें यूज कर सकते हैं, है ना। ये भी जो है ना बहुत ही आपका जो है ना सॉफ्ट नोट्स में ये होता है, ठीक है, लिलियल फ्लोरल नोट्स होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और लिनालूल तो आपको जानते हैं कि आप लोग जो है ये एक ब्लेंडर है ना, यूनिवर्सल ब्लेंडर जिसको बोलते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और भी एडिशनली और भी कौन कौन सा आइटम यूज कर सकते हैं देख सकते हैं आप ना, कि जो है ना आप इसमें यूज कर सकते हैं सेवन नंबर में अल्फा माइल सिनामिक एल्डिहाइड, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपके जो है ना अगर अगर अगरबत्ती का कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही जरूरी है, ज्यादा क्वांटिटी में यूज करें। अगर फाइन फ्रेग्रेंस कपड़े में लगाने के लिए अगर मोगल बना रहे तो इसको बहुत ही माइनर क्वांटिटी में, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज करें, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो और एक आइटम है इसके अंदर में ऑर्डरी फॉर्म में इंडोल यूज कर सकते हैं, इंडोल, बट इंडोल यहाँ पे जो है ना आपको बहुत तेज होता है खुशबू इसका, ठीक है। ये एक ऐसा केमिकल्स है अगर अगर ज्यादा दिन खुला रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन में अगर इसमें कंटेक्ट में आएगा ये, इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ही अगर कोई भी खरीद के रखते हैं तो इसको बहुत प्रिजर्व करके रखें आप, अच्छे टाइट कंटेनर में रखें ताकि हवा हवा ना लगे, क्योंकि हवा, लाइट, टेम्परेचर, ये सब जो है ना परफ्यूम के दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन परफ्यूम बोलते हैं इनको। कभी डिस्कस करेंगे एनिमीज ऑफ परफ्यूम कौन कौन है, फिर उसको किस तरीके से बचा जाए उसमें, वो आगे कभी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडोल जो है ना बहुत तेज होता है, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, इसको जो है ना, बट इसको जस्मीन के अगर जस्मीन का अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ताकि जस्मीन को नोट्स को अफ्लिक करने में और बेस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। बट इन केस ऑफ अगर मुगेट बना रहे हैं आप, अगरबत्ती के केस में आएंगे तो आप थोड़ा डायल्यूट करें। अगर आप जो है ना फाइन फ्रेग्रेंस बनाना चाहते हैं मुगेट के नोट्स के ऊपर में, ठीक है, तो इसको थोड़ा और डायल्यूट करें, इसको मतलब 20% इसका कॉन्सेंट्रेटेड बनाएं, ठीक है, इंडोर का 20% कॉन्सेंट्रेटेड बनाएं, उसके बाद इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कितना यूज करेंगे मैं बताऊंगा मैं आपको। तो ये अल्फा एमाइल सिनामिक एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं इसमें, इंडोल भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद और एक आइटम है, दैट इज द DMBCA, है ना, ये भी पॉटिफॉर्म होता है, DMBCA, दैट इज द डाई मिथाइल विंजाइल कार्बिनोल एसिटेट, ये आइटम भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों आपके मुगेट के अकॉर्ड को थोड़ा सा यूनिकनेस देगा, ठीक है, बढ़िया करेगा और बेहतर बनाएगा। तो आप इतना आइटम चाहेंगे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कई आइटम्स हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज करके आपके मुगेट के परफ्यूम को बढ़िया कर सकते हैं। ये पहले चार केमिकल्स आप लेंगे, एक अकॉर्ड बनाएंगे, है ना, उसके बाद जो है ना इन केमिकल्स को डालकर जिस तरीके से आपके पास अवेलेबल है लिनालूल, लिलियल, इनमें से कोई भी आइटम्स को आप डालकर आपके परफ्यूम्स को थोड़ा क्या कर सकते हैं मॉडिफाई और ब्लेंडर्स देकर जो ना बना सकते हैं, ठीक है। और कई सारे आइटम बेंजाइल बेंजोइड जिस तरीके से इथाइल थैलेट्स है, ठीक है, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा मैं आपको एक डेमो फॉर्मूला इसको यूज करके ना चार केमिकल्स को और दूसरे दो तीन केमिकल्स को यूज करके आपको फॉर्मूला दे बता रहा हूँ, वैसे आप बनाकर देखें फिर बताएंगे, ठीक है। तो ये चार केमिकल्स आपका कॉन्स्टेंट रहा, ठीक है, उसके बाद में इसमें आप यूज कर लेंगे, इसमें आप यूज करेंगे बेंजाइल बेंजोइड, ठीक है, बेंजाइल बेंजोइड लगभग इसको भी आप 12 ग्राम यूज करें, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, बेस के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसको एज ए बेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, 12 ग्राम आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना और एक आइटम है, दैट इज द इथाइल थैलेट पीएच, इंडोल यूज करें, दैट इज द इंडोल 20% यूज करें, लगभग जो है इसमें 8 ग्राम यूज करें, ठीक है।
और उसके बाद जो ना थोड़ा से है ना लिलियल यूज कर सकते हैं। लिलियल फ्लोरल वॉक्स होता है, बहुत बढ़िया आइटम होता है, इसको आप यूज करें लगभग जो है 10 ग्राम आप यूज करें। तो ये आपका लगभग कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 केमिकल्स को यूज करके आपका मुगेट का जो है ना कंप्लीट एक्वॉर्स बन जाएगा। उसके बाद जो ना आप चाहेंगे इसके अंदर में दूसरे दूसरे केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि अगरबत्ती के अगर केस में जाएंगे तो मैंने बताया था कि जो इंडोर का जो ना इसका जो ना ये जो कंसेप्ट 20% जो है इसको 10% करके जो ना आप है ना अगरबत्ती के केस में यूज करें। अल्फा एमाइल सिनामिक एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगरबत्ती के केस में अगर इसको आप बनाना चाहते हैं और बर्निंग में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा अगरबत्ती लगाए तो बर्निंग हो, तो उसमें फिर एल्डिहाइड्स में आप जाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड्स में कौन सा एल्डिहाइड यूज करेंगे? एल्डिहाइड तो बहुत तरीके के हैं, एल्डिहाइड C9 है, 8 है, 10 है, 11 है, ठीक है। 11 में फिर अलग अलग कैटेगरी है, 12 है, 12 में फिर दो कैटेगरी यूज होते हैं, ठीक है, दैट इज द लॉरिक्स एंड द एनएनए ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल्डिहाइड C11 यूज करेंगे, ठीक है। C11 इसमें इस कॉम्पोजिशन के हिसाब से C11 टोटल 10 ग्राम आप यूज करें, ठीक है। C11 यूज करें और C12 यूज करें, ठीक है। लॉरिक्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि लॉरिक्स थोड़ा सा फैंसी मोड्स में चला जाता है, ठीक है, उसका खुशबू अलग बहुत तेज होता है, MNA से भी ज्यादा तेज होता है लॉरिक्स, तो आप MNA यूज करें, इसको भी आप लगभग जो ना 12 ग्राम यूज करें, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड्स यूज करने में क्या आता है ना कि जो ना आपका खुशबू में जो ना थोड़ा प्रोजेक्शन आ जाएगा, है ना, फैलाव करने में हेल्प करेगा, जब टॉपमोक्स में यूज होगा उसके बाद जो ना आप है ना अगरबत्ती में भी यूज करेगा तो बर्निंग में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब और एक लास्ट एक आइटम बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने बताया था इसकी बेस है ना, मैंने बताया था कि जो हाइड्रोक्सीसिटोनिनॉल है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी बेस बनाने में, तो इसकी बेस है क्या, ठीक है। बहुत ही कॉमन आइटम, आप लोग सब जानते होंगे, मैं मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत मैं यूज किया हूँ उस टर्म को, ओरिएंटियल, ठीक है, मालूम आपको ओरिएंटियल, ओरिएंटियल के बोलते हैं, केलकर कंपनी का ओरिएंटियल के जो आता है, ठीक है, वो इसकी बेसी है, ठीक है। इसको आप मोगरा, बहुत किस्म के इसकी बेस होते हैं, ठीक है। इसकी बेस बनाने के लिए दो केमिकल्स यूज होते हैं, मैंने बताया था कि हाइड्रोक्सीसिटोनिनॉल प्लस मिथाइल एंथ्रेनिलेट, ये दोनों को यूज करेंगे, इसका 60% इसका 40%, ये केमिकल प्रोसेस है। आप बोलेंगे घर पे बना लेंगे, नहीं होगा ऐसे, आप घर पे बोलेंगे हाइड्रोक्सीसिटोनिनॉल 60 ग्राम ले लें, 40 ग्राम मिथाइल एंथ्रेनिलेट बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है केमिकल प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, जिसको जो है ना ये जो ओरिएंटियल के जो है, ठीक है, केलकर का जो है, ठीक है, ये एक्चुअली केलकर का जो है ना, शायद केलकर ने किसी का और लिया होगा, ये केमिकल्स है, ठीक है, ये केलकर का खुद का इनका थोड़ा बहुत कंपोजिशन इसके अंदर में रहेगा, बट एक्चुअल में जो ओरिएंटल आता है, ओरिएंटाइन के नाम से आता है, अगर उसको आप यूज करेंगे तो और बढ़िया होगा। ओरिएंटाइन, ये ओरिएंटाइन किस कंपनी का बता देता हूँ, गिविडॉन का है, गिविडॉन जो कंपनी है उसका ओरिएंटाइन आता है, ठीक है, वो भी एक ये इसी स्किप बेस है, ठीक है, दैट इज द हाइड्रोक्सीसिटोनिनॉल एंथ्रेनिलेट को मिला के और भी जो आइटम्स मिले होंगे कंपनी का अपना सीक्रेट है, तो ये आइटम है, ठीक है, ओरिएंटल के ओरिएंटाइन मिल जाए तो गिविडॉन का बहुत अच्छा है, इसको आप चाहेंगे जो पिछले फॉर्मूला में बताया उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए बेस, एज अगरबत्ती किसमें जाए, फाइन फ्रेग्रेंस में जाए, फैलाव चाहिए आपके, ठीक है, परफ्यूम के अंदर में लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, बहुत ही बेहतरीन आइटम, मैंने बताया था ओरिएंटल के सब जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने यूज करा ओरिएंटल के, केलकर का आता है, ठीक है, इसको यूज कर, ये इन जनरल मिलता है, ये मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, स्पेशल केस है, ठीक है, तो यूज कर। तो ये था ओवरऑल मुगेट के एक्वॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। शॉर्ट्स में मैंने बताया था आपको, मैंने शॉर्ट्स भी जो देखे होंगे हम लोग ने एक दो दिन कल से चालू किया शॉर्ट्स, हमने वीडियो कल पढ़ा था सर, तो शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि हम वीडियो लाएंगे जो उसमें हम अपडेट्स बताएंगे, अपडेट्स ये है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है ना परफ्यूम कंसल्टेंसी लाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा फोन भी हमारे पास आता है कि लोग जो हिचकिचाते हैं, फोन करते हैं, आधा आधा घंटा टाइम ले लेते हैं, एक एक घंटा, वो खुद बोलते हैं कि आपको क्या चार्जेस है बताइए, ठीक है, तो उस टाइम तो बना था, तो हम बहुत जल्दी हम लोग पेड सर्विस ला रहे हैं, ठीक है, तो कंसल्टेंसी हम लोग लाएंगे, परफ्यूम कंसल्टेंसी, और ना कौन चाहता भी है कमेंट में भी बताएं कि लाएं या ना लाएं, ठीक है, हमने तो उम्मीद, हम लोग ने तो माइंड मेकअप किया है कि लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट भी हमारे पास था कि जो ना आप पैसे लें भला क्या, उनका टाइम दीजिए, ठीक है,
तो हम लोग ने ये सोचा है कि बहुत कम, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा ले लेंगे, है ना, सिर्फ मात्र 49 रुपीज, 49 रुपीज में हम लोग जो है कंसल्टेंसी देंगे, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स जो है ना आपको, है ना, अब आपको आने वाले वीडियो में जो है ना हम आपको अपडेट कर देंगे कब से ये चालू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या इसके ना प्रोसेस है हम बता देंगे आपको, सिर्फ आप 49 रुपीज पेड करेंगे, हमारा परफ्यूम कंसल्टेंसी जो है ना कंसल्टेंसी आप हमसे ले सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, आप भी फ्री रहेंगे, हम भी थोड़ा टाइम निकालेंगे, ठीक है। सुबह से शुरू होगा, ठीक है, रोज का जो ना जितना बुकिंग बहुत कम रखेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमें टाइम भी देना है आपको, है ना, आप उसमें जो भी सवाल कर सकते हैं, आप जो भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, ओनली बाय पेइंग 49 रुपीज, ठीक है। तो ये अपडेट था, इंपॉर्टेंट अपडेट था, तो इसलिए मैंने पहले से कहा था कि वीडियो को पूरा देखें आप, ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो बस ओवरऑल आज के वीडियो बस यही है, ठीक है, फिर आगे वीडियो में मिलेंगे, है ना। जब तक से आप हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाय बाय, टेक केयर।